नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 शॉकिंग रीजंस डिस्कस करेंगे कि क्यों हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद, शिक्षित होने के बावजूद, बहुत सारी डिग्रीज होने के बावजूद लोग गरीब होते हैं। क्या शिक्षा का और गरीबी का कोई रिलेशनशिप है? आइए एक्सप्लोर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिख के बताइए। तो आइए शुरू करें। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, बहुत सारे शिक्षित लोग गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल्स में नहीं दी जाती। एक मिनट रुक के सोचिए दोस्तों, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहला लेटर हमारे दिमाग में आता है स्कूल, और हम लोग ये सोचते हैं कि स्कूल्स में बच्चों को वो सब कुछ सिखाया जाता है जो भी उनको ज़िंदगी में जानने के लिए ज़रूरी होता है। बट क्या ऐसा सच है? हो सकता है आप एक मेडिकल डॉक्टर हों, आपको मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी हो, लेकिन पैसे के बारे में आप कुछ भी ना जानते हों। आप एक लॉयर हों, बेहतरीन लॉयर हों, और आपको अपनी लॉ के बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन हो सकता है आपको पैसा कैसे कमाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो एक अकाउंटेंट होता है जो करोड़ों रुपए का हिसाब किताब कर सकता है, हो सकता है उसको भी ना पता हो कि अमीर कैसे बना जा सकता है। और इसका सिंपल कारण ये है दोस्तों कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल्स में बच्चों को नहीं सिखाई जाती। पैसा कैसे कमाया जाए ये स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि स्कूल्स डिज़ाइन होते हैं एम्प्लॉई क्रिएट करने के लिए। जी हाँ, स्कूल्स इसीलिए बनाए गए थे फर्स्ट ब्रिटिश राज में, जिससे कि उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ तैयार करने के लिए एक संस्थान मिले। और स्कूल्स वही हैं, आज तक उसी तरीके से फंक्शन करते हैं जैसे वो 100 साल पहले फंक्शन किया करते थे। तो हो सकता है दोस्तों आपने बहुत सारी डिग्रीज इकट्ठी करी हों, आपने बहुत सारे साल स्कूल में बिताए हों, आप बहुत हाईली एजुकेटेड हों, लेकिन आपको पैसे के बारे में कुछ भी ना मालूम हो। तो क्या करें? अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करिए, वीडियोज़ देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, आजकल बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में भी होती है। और जिन लोगों ने पैसा कमाया है, जो लोग बिजनेस क्रिएट करते हैं या जो लोग एम्प्लॉई होने के बावजूद, जॉब्स करने के बावजूद रिच बनते हैं, उनसे बात करिए। स्कूल का काम है आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ाना, वो आपको पैसे के बारे में जानकारी नहीं देगा, इसीलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न, बहुत सारे एजुकेटेड लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो लोग कॉलेज से निकलने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। दोस्तों, एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? एजुकेशन से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जो डिग्रीज और सर्टिफिकेट वो लोग कॉलेज से, IIT, IIM से इकट्ठे करके आए हैं, इसका मतलब वो है। ट्रू एजुकेशन वो है दोस्तों जो आप रोज़ अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ मीनिंगफुल सीखना चाहिए। दोस्तों, जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं उनको लगता है अब तो उन्होंने कॉलेज ख़त्म कर लिया, डिग्रीज तो उनके पास आ गई, अब उनको फालतू में पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। इसीलिए वो लोग उस मीनिंगफुल नॉलेज के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करते हैं जो उनको हेल्प करती है वेल्थ क्रिएट करने में। जो लोग अमीर होते हैं वो लोग डेली अपने आप को अपग्रेड करते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो फिर क्या करें? अपने आप को डेली बेसिस पे एजुकेट करिए। जी हाँ, एजुकेशन को, शिक्षा को ऐसे समझिए कि वो पानी की तरीके से है। पानी आप ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में एक बार नहीं पीते, आप उसको रोज पीते हैं, उसको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न, बहुत सारे एजुकेटेड लोग इसलिए गरीब होते हैं दोस्तों क्योंकि जितना टाइम आप स्कूल में स्पेंड करते हैं या फॉर्मल एजुकेशन में स्पेंड करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको जॉब्स अच्छी लगने लगती हैं। आप जॉब की तैयारी करते हैं और उसी के लिए आप तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, स्कूल्स हमने जैसे पहले भी बताया कि अच्छे एम्प्लॉयज़ तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। आप अच्छे वर्कर बन जाते हैं, अच्छे कर्मचारी बन जाते हैं। दोस्तों, किसी ने भी वेल्थ जो है वो सिंगल हैंडेडली इकट्ठी नहीं की। जब आप अमीर बनते हैं तो आपको टीम्स को लीड करना आना चाहिए। आप एक दिमाग से काम नहीं करते, आप बहुत सारे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करते हैं, उनके स्किल्स को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, आप टीम्स के साथ काम करते हैं। और स्कूल में आपको इन सब का ऑपोजिट सिखाया जाता है, उल्टा सिखाया जाता है। स्कूल में आप अकेले काम करते हैं, आपके टेस्ट, आपके असाइनमेंट सब आप अकेले पूरा करते हैं। स्कूल आपको टीम वर्क की तरह कभी भी तैयार नहीं करता।
दोस्तों, स्कूल्स में आपको कंपटीशन सिखाया जाता है और रियल जिंदगी में अमीर बनने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए होता है, साथ में काम करने का जज्बा चाहिए होता है। जितना ज्यादा टाइम आप फॉर्मल डिग्रीज इकट्ठी करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको जॉब से प्यार होता है और उतना ही ज्यादा आप ट्रेन होते हैं सारी उम्र सिंगल माइंड और अपने इन दो हाथों से काम करने के लिए। दोस्तों, जितनी ज्यादा वेल्थ एंटरप्रेनर्स इकट्ठी करते हैं, वो अकेले कभी नहीं करते। वो क्या करते हैं, 10, 20, 50 ब्रेन्स इकट्ठे करते हैं और उतने ही ज्यादा हैंड्स होते हैं उनके पास काम करने के लिए। तो क्या करें, हर कोई तो एंटरप्रेनर नहीं बन सकता, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन हम इन्वेस्टिंग की आर्ट तो सीख सकते हैं। हम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, हम फाइनेंशियल एजुकेशन तो ले सकते हैं, हम अपने आप को अपने पैसे का बेहतर यूज़ करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए बेटर ट्रेनिंग तो ले सकते हैं और यही हम लोगों को करना चाहिए दोस्तों। फोर्थ रीज़न दोस्तों, बहुत सारे एजुकेटेड लोग इसलिए भी गरीब होते हैं क्योंकि जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं उनके अंदर घमंड आ जाता है। उनको लगता है जिन लोगों के पास फॉर्मल डिग्रीज नहीं है या जिन्होंने अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट की है, वो लोग हमसे बहुत इन्फीरियर हैं, नीचे हैं। इसीलिए विनम्रता की कमी के कारण ना तो ये लोग दूसरों को सुनते हैं और ना ही उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज की जनरेशन में 16 साल 17 साल के यंग बच्चे अपने घर के अंदर से बैठे हुए इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की पावर से इतनी वेल्थ बना रहे हैं जो हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं है। हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों को। इंडिया में अगर हम बात करें तो रितेश अग्रवाल, जी हाँ, ओयो रूम्स का नाम हम सब ने सुना होगा। आज के टाइम्स में उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन की है। थर्ड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है हॉस्पिटैलिटी में और बजट होटल की इंडस्ट्री में। दोस्तों, रितेश ने अपना करियर 17 साल की उम्र में शुरू किया था और 2013 में उन्होंने ओयो होटल्स की चेन्स को फाउंड किया था। अगर आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, आप बहुत एजुकेटेड हैं, तो घमंड मत करिए। आप देखेंगे अगर आप विनम्र रहते हैं तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं वो हाईली पेड होते हैं और अपनी फिक्स्ड सैलरीज की वजह से वो लोग लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं। जी हाँ, लाइबिलिटीज का मतलब हर महीने जो चीजें उनकी जेब से पैसा खींच के लेके जाती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो फेमस ऑथर हैं रिच डैड पुअर डैड के, उनका कहना है जो लोग रेगुलर जॉब में होते हैं, जिनको मंथली मंथली पेमेंट मिलता है, वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए एसेट्स बनाने के बजाय लाइबिलिटी बनाते हैं। एसेट का मतलब जो चीज हर महीने आपकी जेब में पैसा लेकर आए, और लाइबिलिटी मतलब जो चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा लेकर जाए। तो महंगी कार ईएमआई पे खरीदी हुई हो, महंगी घड़ियां, बड़े टीवी सेट, इवन आपके बड़े बड़े वेकेशंस, आप ये सारी लाइबिलिटीज अपने लिए इकट्ठी कर लेते हैं जब आप हाई पेइंग जॉब्स करते हैं। तो जब भी आप अच्छा कमाते हैं तो पहला काम आपको करना होगा कि आपको एसेट बिल्डिंग में अपना सारा पैसा फोकस करना होगा, चाहे आप रियल एस्टेट में करें, चाहे गोल्ड में करें, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स में करें। आपको लाइबिलिटीज नहीं बनानी है, वो चीज नहीं बनानी है जो आपके लिए हर महीने आपकी जेब से पैसा लेकर जाती है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों, जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं वो लोग हाई पेइंग जॉब्स करते हैं। अगर उनकी जॉब किसी भी कारण से खत्म हो जाती है तो उनको फिर से स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। आप ये कहेंगे क्या जिनके बिजनेस होते हैं, क्या उनके बिजनेस खत्म नहीं होते? जी हाँ, बिल्कुल खत्म होते हैं, लेकिन अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे, एक इंसान जो हाई पेइंग जॉब कर रहा है और एक इंसान जिसने अपना बिजनेस क्रिएट किया है, तो दोनों में अंतर क्या है? जो जॉब करता है उसकी जॉब दूसरे के डिसीजन पर डिपेंड करती है। उसका ओनर, उसकी कंपनी का मालिक क्या डिसीजंस लेता है, उसकी जॉब उस पर डिपेंड करती है। बल्कि जो बिजनेस करता है उसकी वेल्थ उसके खुद के डिसीजंस पे डिपेंड करती है दोस्तों। और जिसने अपना बिजनेस खुद क्रिएट किया है, अगर उसका बिजनेस खत्म भी होता है तो उसको पता होता है कि स्क्रैच से, जीरो से उसको फिर से कैसे शुरू करना है। लेकिन अगर आप एक हाई पेइंग जॉब करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो आपको नेक्स्ट जॉब मिले वो उतनी ही सेटिस्फाइंग हो या उतनी ही हाई पेइंग हो जो आपकी प्रीवियस जॉब थी जिसने आपने अपने 10 साल लगा दिए। सेकेंडली दोस्तों, जो टैक्स सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो उन्हीं लोगों के लिए बना है जो लोग अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा सैलरीज मिल रही हैं। बिजनेस ओनर्स को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लीवे देती है। 2010 में वारन बफेट, जो फेमस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बताया कि उनको 17% टैक्स देना पड़ता है, जबकि बहुत सारे एम्प्लॉयज उनकी कंपनी में ऐसे हैं जिनको 36% तक टैक्स पे करना पड़ता है। और ये हमारी कंट्री के लिए भी बिल्कुल सच है। तो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना है,
लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना है. जरूरी नहीं है हम हाईली एजुकेटेड हो गए हों तो हम समझे कि अब हमें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है. चाहे हम कितने भी एजुकेटेड हों, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी लाइफ में एक अपनी स्पेशल प्लेस है. आई एम श्योर दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई रिच बनना चाहता है. अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए फ्यूचर में भी ज़रूर लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच.